WBC फाइनल के लिए इंग्लैंड रवाना हुई टीम इंडिया ये स्टार खिलाड़ी लिस्ट में शामिल। भारत के खिलाफ WTC फाइनल से पहले डरे कंगारू, इस वजह से थर थर कांप रहे। WTC फाइनल में विराट कोहली को रिप्लेस करेगा ये खूंखार बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया को कर देगा तबाह। भारतीय खिलाड़ियों का पहला बैच सपोर्ट स्टाफ के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के लिए मंगलवार तड़के लंदन के लिए रवाना हो गया। मैच 7 से 11 जून को द ओवल में खेला जाएगा। लंदन जाने वाली भारतीय टीम अलग अलग ग्रुप में रवाना हो रही और WTC फाइनल के लिए पूरी टीम IPL फाइनल के बाद 30 मई तक लंदन पहुंच जाएगी। पहले बैच में अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी, सीनियर्स विराट कोहली और आर अश्विन जिनकी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स हैं, ये IPL से बाहर हो गई है। बाद में संभवतः कल यानी 24 मई को ये रवाना हो सकती है। वही उमेश यादव जिनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स भी IPL से बाहर हो गई है, वो भी बाद में इंग्लैंड पहुंच सकती है। लंदन के लिए रवाना हुए शार्दुल ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है। क्रिकबस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मूल योजना IPL लीग चरण के तुरंत बाद पहला बैच भेजने की थी, हालांकि कुछ खिलाड़ियों ने BCCI से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें बाद में जाने की परमिशन दी जाए। वहीं BCCI के एक अधिकारी ने कहा 30 मई तक हर दिन बैच जाएगा। इस बीच जयदेव उनादकट जो कंधे की चोट के लिए बेंगलुरु में NCA में हैं, उनके WTC फाइनल के लिए फिट होने की उम्मीद है और वो 27 मई के बाद रवाना हो सकते हैं। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार पहले बैच का हिस्सा होंगे और अन्य दो ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव IPL मैचों के बाद जाएंगे। वहीं WTC फाइनल 2023 के लिए भारत का स्क्वाड कैसा है आइए आपको दिखाते हैं। इसमें कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, विकेटकीपर KS भरत, विकेटकीपर ईशान किशन, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनादकट। वहीं स्टैंड बाई प्लेयर्स में ऋतुराज गायकवाड़, मुकेश कुमार, सूर्य कुमार यादव शामिल हैं। वहीं भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलियाई डरे हुए। पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और एशियन सीरीज से पहले अभ्यास मैच नहीं खेलने के ऑस्ट्रेलिया के फैसले पर सवाल उठाते हुए ये कह दिया है कि यह कदम खतरे से भरा है। WTC का फाइनल 7 से 11 जून तक लंदन के द ओवल में होना है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया 16 जून से 31 जुलाई तक 5 मैचों के एशियन सीरीज में अपने चिर प्रतिद्वंदी इंग्लैंड से भिड़ेगी। भारतीय टीम भी यहां कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेगी क्योंकि इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप इस वक्त चल रही है। साथ ही WTC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक प्रतियोगिता है और इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड मेहमान टीमों के लिए प्रैक्टिस मुकाबलों की व्यवस्था करने के लिए मजबूर नहीं है। इसीलिए एशेज के इतिहास में पहली बार होगा कि ऑस्ट्रेलिया की मेल टीम सीरीज से पहले या इसके दौरान किसी लोकल काउंटी टीम का सामना नहीं करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC टूर्नामेंट के इस बड़े फाइनल मैच से पहले एक और बड़ी खबर आ रही है जो टीम इंडिया को एक बड़ा झटका हो सकती है। भारत के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली को घुटने में चोट लग गई। विराट कोहली को एक चोट IPL 2023 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आखिरी लीग मुकाबले में लगी थी। विराट कोहली इस मैच में गुजरात टाइटन्स के बल्लेबाज विजय शंकर का कैच लपकने के दौरान अपना घुटना चोटिल करवा बैठे थे। विराट कोहली का इंग्लैंड नहीं जाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विराट कोहली चोट के कारण वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इंग्लैंड रवाना नहीं हुए। विराट कोहली अगर चोट के कारण वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेल पाते तो उनकी जगह एक खूंखार बल्लेबाज ले सकता है और ये खतरनाक बल्लेबाज अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को तहस तहस करने का मादा रखता है। नाम यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल के खतरनाक फॉर्म को देखते हुए उन्हें टीम इंडिया का बुलावा आ सकता है। IPL 2023 में अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के दम पर यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया के लिए अपना दावा ठोका है। भारत का ये खतरनाक बल्लेबाज जब क्रीज पर उतरता है तो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विरोधी टीम के गेंदबाजों को तहस तहस करके रख देता है। यशस्वी जायसवाल ने IPL 2023 के 14 मैचों में 163.61 की स्ट्राइक रेट से 625 रन टूटे, जिसमें 82 चौके और 26 छक्के शामिल रहे। यशस्वी जायसवाल ने IPL 2023 में 1 शतक और 5 अर्धशतक जड़े। यशस्वी जायसवाल का IPL 2023 में बेस्ट स्कोर 124 रन रहा है। यशस्वी जायसवाल एक बाएं हाथ के बल्लेबाज भी हैं और ऐसे बल्लेबाज किसी भी टीम के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।